दोस्तों आज हम जानेंगे यूरोप के एक और बेहद ही सुंदर देश के बारे में जिसकी हवा ताजगी से भरपूर है। इसके अलावा इस देश की महिलाओं को काफी खुले विचारों वाली माना जाता है। इस देश में हजारों की संख्या में महिलाएं वैश्यवृत्ति के काम को करती हैं। इस देश के कई शहर और गलियों में देह व्यापार करने वाली महिलाओं की खुली झलक दिखाई देती है। साथ ही यहाँ यूरोप का सबसे ऊँचा वाटरफॉल भी मौजूद है। दोस्तों हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया सेंट्रल यूरोप की एक लैंडलॉक कंट्री है जिसके चारों ओर कोई ना कोई देश लगता है। ऑस्ट्रिया के पड़ोसी देशों में जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली और स्विट्जरलैंड आता है। इस देश की टोटल पॉपुलेशन करीब 89 लाख के आसपास है जिसमें से लगभग 70% ईसाई धर्म, 8% मुस्लिम और बाकी 22% में नास्तिक और अन्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यह देश 83,880 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर रहने वालों की संख्या काफ़ी कम है। यही कारण है ऑस्ट्रिया ने विकास करने के मामले में यूरोप के कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर बीचेस मौजूद हैं जिन पर महिलाएं हों या पुरुष खुली धूप, साफ पानी, स्वच्छ हवा का आनंद लेने के लिए अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ का माहौल शांत रहता है, आप क्या कर रहे हैं इस पर कोई ध्यान नहीं देता, इसी वजह से लोग इस देश को काफ़ी पसंद करते हैं। ऑस्ट्रिया की महिलाएं बेहद ही खूबसूरत मानी जाती हैं। लंबा कद, आकर्षक शरीर और खुले विचारों के कारण एक बार जो इनसे बात कर लेता है वो इनका दीवाना हो ही जाता है। इसके अलावा इस देश में देह व्यापार कानूनी रूप से मान्य है, इसीलिए तो कई लड़कियां और महिलाएं निडर होकर इस काम को करती हैं। यहां ऐसा करने पर भी लोग इन महिलाओं की इज्जत करते हैं क्योंकि ऑस्ट्रिया के लोगों का मानना है कि काम काम होता है, ये उन्हें पसंद करती हैं तो यही उनके लिए सबसे बेहतर है। ऑस्ट्रिया में शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है, लगभग 99.7% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे होते हैं और यहाँ की सरकार बच्चों के जन्म के 4 साल बाद ही खुद ही उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करा देती हैं। यहाँ के पुरुष सबसे फिट माने जाते हैं क्योंकि ऑस्ट्रिया के लोगों को 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस देश में हरियाली की कोई कमी नहीं है, इसीलिए वातावरण चारों तरफ से साफ दिखाई देता है और इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ की 43% जमीन पर जंगलों का होना। स्वीडन के बाद ऑस्ट्रिया के लोग यूरोप में सबसे स्वस्थ माने जाते हैं। यहाँ के लोग अपनी हेल्थ और फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 76 साल होती है। दोस्तों ऑस्ट्रिया में बेरोजगारी जैसा कोई शब्द है ही नहीं, सबके पास कोई ना कोई काम है और यहाँ के नागरिक अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। ऑस्ट्रिया में लगभग सभी की लव मैरिज होती है, यहाँ की महिला हो या पुरुष प्यार जीवन भर निभाते हैं, तभी तो स्कूल का पहला प्यार ही इनका लाइफ पार्टनर बनता है क्योंकि यहाँ स्कूलों में ही प्यार हो जाता है, इसीलिए ये लोग शारीरिक संबंध भी जल्दी ही बना लेते हैं, लेकिन यहाँ इस चीज को इतना महत्व नहीं दिया जाता। ऑफिस टाइमिंग्स में लोग सड़कों पर काफी कम दिखाई देते हैं, लेकिन शनिवार की शाम से ही यहाँ काफी भीड़ होना शुरू हो जाती है। लोग खूब मस्ती करते हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, डांस करते हैं। पैसों के रूप में यहाँ यूरो चलता है और 1 यूरो भारत में 90 रुपए के बराबर होता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना शहर है। आप इसकी खूबसूरती के बारे में इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। यह शहर कभी एक धार्मिक स्थल हुआ करता था, यहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग जमा हुआ करते थे। यहाँ पर यूरोप का सबसे ऊँचा झरना भी है जो 380 मीटर हाइट रखता है। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं जब इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है तो ये और ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगता है। ऑस्ट्रिया में एक रास्ता है फ्रांस जोसेफ, जिसे सबसे सुंदर सड़कों में गिना जाता है। यहाँ की सुंदरता गाड़ी में सफर करते वक्त ज्यादा सुंदर दिखाई देती है। ये रास्ता पहाड़, जंगलों और बर्फ से घिरा रहता है। राजधानी वियना ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी सिटी है। लाखों लोग इस आकर्षक शहर को पूरे यूरोप से देखने के लिए आते हैं। यूरोप के नागरिकों को ऑस्ट्रिया में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, पर भारतीयों को यहाँ प्रवेश करने के लिए वीजा लेने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये था ऑस्ट्रिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।